एक बात बताइए कि आपने अपने महागठबंधन में सबको जोड़ लिया ठीक है ना आपने कांग्रेस को इतनी सारी सीटें दी वीआईपी को तीन सीटें दे दी बिल्कुल नई पार्टी आपने हमको दी आपने आर को पांच सीटें दे दी माले तक को आपने जोड़ लिया तो आपने कन्हैया कुमार की सीट क्यों नहीं जोड़ी आपने एक बेगूसराय की सीट क्यों नहीं दी वो भी तो आप दे सकते थे क्या प्रॉब्लम थी पहली बात आपको समझना पड़ेगा बेगूसराय ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहाँ महागठबंधन के सात में से पांच विधायक हैं तनवीर साहब जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के वहाँ प्रत्याशी हैं लास्ट इलेक्शन 2014 में लगभग पौने चार लाख वोटें मिली थी सीपीआई पार्टी जो है वो वहाँ से चुनाव लड़ी थी नीतीश जी के साथ मिलकर के लगभग उनको पौने दो लाख वोटें आई थी तो आप देखिए अंतर कितना बड़ा है और हिंदुस्तान में बहुत कम ऐसी सीटें हैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं जहाँ मुसलमानों को इस बार टिकट दिया जा रहा है उस दौर में जहाँ एक कम्युनिटी के खिलाफ जहर फैलाया जा रहा है डराया जा रहा है उस दौर में बिहार सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन अगर मुसलमानों को दे रहा है तो राष्ट्रीय जनता दल दे रही है बिल्कुल और आपको बता दें सीपीआई जो पार्टी है वो एक जात की एक जिले की पार्टी बनकर के रह गई है हमारा लेफ्ट में जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होल्ड जिस पार्टी का है माले उसके साथ हम लोगों ने तालमेल किया है जी। तो फिर ऐसी क्यों बात है कि, कि तेजस्वी जो है वो कन्हैया से इनसिक्योर है और उसके कारण उन्होंने कन्हैया चूंकि दबंगी से बोलते हैं और इतने तरीके से लॉजिकली अपनी बात को रखते हैं कि तेजस्वी को लगा कि कन्हैया को आगे नहीं आने देना चाहिए अरे तो मेरे खिलाफ थोड़ी ना बोलते हैं मेरे खिलाफ थोड़ी ना मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं और एक बात समझ जाइए मोदी जी के खिलाफ कोई व्यक्तिगत हमारी दुश्मनी नहीं है आइडियोलॉजिकल फाइट विचारधारा की लड़ाई है और इस विचारधारा जो मोदी जी की जो विचारधारा है उसके खिलाफ अगर सबसे ज्यादा अगर मजबूती के साथ कोई इस भारत में मजबूती के साथ बोलता है तो उसका नाम लालू प्रसाद है और सबसे ज्यादा अगर बीजेपी का अगर किसी ने जुल्म सहा है अन्याय सहा है तो वो लालू जी हैं आज स्थिति देख लीजिए मेरे को नहीं मिलने दिया जा रहा उनको एक कमरे से दूसरे कमरे इलाज टेस्ट कराने के लिए नहीं ले जाया जा रहा पाबंदी लगा दी गई एक हफ्ते में जो तीन दिन जो मिलने थे मेरे ऊपर मुकदमा मेरे भाई पे मुकदमा मेरी सात बहन है सातों बहनों पे मुकदमा सबकी शादी होगी तो सात जीजा जी हुए सातों जीजा जी पे मुकदमा मेरी बहन के जितने सातों बहन के इन लॉज यानी सास और ससुर यानी सात इंटू टू कर लीजिए तो चौदह हुए ना सास और ससुर उन चौदो पे मुकदमा ये भी नहीं उनके सास ससुर के रिश्तेदारों पर भी मुकदमा ही इज एडमिटेड टू दॉस्पिटल बीमार हैं लेकिन डर नहीं रहे झुक नहीं रहे